प्रवास अन्ना की कल्की ने तबाही मचा दी है और अब जो है वो डे बाय डे प्रवास अन्ना की कल्की बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन करती हुई देखने को मिल रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर भाई साहब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी शानदार लेवल का कल्की के ऊपर रिएक्शन दिया है और ये कहा है कि जिस टॉपिक को नाग अश्विन प्रवास लेकर आए हैं और जिस लेवल से कल्की अवतार के बारे में दिखाया गया है, जिस लेवल से कल्की मूवी को दिखाया गया है, जो सिनेमेटोग्राफी और जो चीज़ें जो कल्की मूवी के अंदर देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। और ऐसी और भी ज़्यादा मूवीज़ आनी चाहिए जो कि भारत के संस्कारों, भारत की विधियों और विधानों को और ज़्यादा बयान करें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कल्की मूवी के अंदर हिंदुइज़्म के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिला है और कहीं ना कहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा ही लगता है कि कल्की आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही बड़े लेवल के रिकॉर्ड्स तोड़ने की तरफ बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर फर्दर चीज़ें देखें तो दोस्तों कल्की मूवी ने अभी तक 298 करोड़ से यानी कि लगभग जो कि 300 करोड़ तक की जो है वो कलेक्शन कर ली है। ये जो कि काफ़ी बढ़िया लेवल के रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई देखने को मिल रही है कल्की दोस्तों। उसके अलावा अगर फर्दर चीज़ें देखें तो नाजिम के अंदर डे वन के अंदर ऑल टाइम रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई देखने को मिल चुकी है कल्की दोस्तों। 24 करोड़ रुपए की कलेक्शन करके कल्की ने RRR के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब जो है वो ऐसा लगता है कि रेबल स्टार प्रभास अब जो कि आने वाले टाइम के अंदर उनका करियर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम पिछले कुछ घंटों के अंदर बात करें तो लगभग पिछले कुछ घंटों के अंदर कल्की मूवी ने 57,630 टिकट सोल्ड आउट कर दी है बुक माय शो के ऊपर और ये जो भाई साहब अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टोटल जो कि सुबह 6 बजे से अगर बात करें तो 6 बजे से कल्की मूवी ने 6,73,330 टिकट्स को सोल्ड आउट कर दिया है, वो भी बुक माय शो के द्वारा। यानी कि टिकट्स के मामले में कल्की ने तबाही मचा दी और सारी की सारी मूवीज़ को तोड़ती हुई देखने को मिली है। अपने सेकेंड डे के ऊपर कल्की जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर सेकेंड डे के ऊपर जवान मूवी ने जो है वो भाई साहब 1.1 मिलियन से भी ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट की थी। अब जो है वो यहाँ पर कल्की मूवी ने 1.16 मिलियन से भी ज़्यादा की जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट कर ली है। ये जो है वो काफ़ी बढ़िया लेवल की अमाउंट कल्की जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल से जो कि बढ़ती हुई देखने को मिल रही है अपनी टिकट सोल्डिंग के अंदर और बुकिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस साल की क्या हिंदुस्तान की आज से सबसे ज़्यादा बड़े लेवल के रिकॉर्ड्स और बड़े लेवल की कलेक्शन करने वाली मूवी कल्की ही बनेगी। नेशनल मल्टीप्लेक्स के ऊपर डे वन की जो नेट भाई साहब कलेक्शन आई है वो जो कि लगभग यहाँ पर मतलब कि भाई साहब 28 करोड़ से भी ज़्यादा की देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कल्की बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। उसके अलावा फर्दर चीज़ें देखें तो दोस्तों कल्की मूवी ने हिंदी के अंदर भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल तोड़ा है और डे वन से डे टू के ऊपर काफ़ी बढ़िया लेवल की नेक्स्ट लेवल की कलेक्शन देखने को मिली है दोस्तों। डे वन के ऊपर कल्की मूवी 22 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी और डे टू यानी कि कल वाले दिन जो है कल्की ने 23 करोड़ रुपए की कलेक्शन की है। तो कहीं ना कहीं कलेक्शन वाइज कल्की ने तबाही मचा दी। टोटल जो है वो 45 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हिंदी के अंदर बना दी भी देखने को मिली है कल्की। तो दोस्तों कल्की की हाइप कल्की क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है प्रभास अन्ना कल्की कितने बड़े रिकॉर्ड्स कैसी हाइप क्रिएट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। छोटी सी वीडियो थी कल्की मूवी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप यहाँ पर कल्की या फिर प्रभास अन्ना की किसी मूवी के बारे में अपडेट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको हर एक अपडेट सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।